क्या हम गृहिणियों का कभी कोई हॉलीडे या संडे होता है? आपको क्या लगता है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं और हम भी ठीक हैं। तो आज के एक नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो अभी है एकदम मॉर्निंग का टाइम, मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में बनेगा ब्रेड ऑमलेट। मैं जब ब्रेड ऑमलेट अपने लिए बनाती हूँ तो उसमें मैं प्याज नहीं डालती हूँ। मुझे सुबह सुबह खाली पेट प्याज खाने से थोड़ा सा एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। ऐसे नॉर्मली मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ या किसी और के लिए बनाती हूँ तब डालती हूँ, बट अपने लिए जब बनाती हूँ तब सिर्फ मिर्ची और नमक ही डालती हूँ। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में ज़्यादा तामझाम करना मुझे इतना पसंद नहीं है। मैं हमेशा थोड़ा सा इजी ब्रेकफास्ट ही बनाती हूँ। बाकी लंच में जितना तामझाम हो मुझे उससे कोई मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ता, डिनर में भी, बट सुबह मुझे थोड़ा आलसी लगता है। तो अभी मैं ब्रेड ऑमलेट के साथ साइड में देख रहे हैं, मैं जितने भी तरह का सीड्स है मेरे पास, अखरोट, आमंड, पम्पकिन सीड्स, सब कुछ मैं रात को भिगो के रखती हूँ और वो मैं ब्रेकफास्ट में खाती हूँ, और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स। और मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो अभी हम दोनों साथ में ही कर लेंगे ब्रेकफास्ट। और हाँ, जो ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पे लिया है वो मैं अकेली नहीं खाऊंगी, हस्बैंड भी खाएंगे, स्पेशली वो सीड्स। और बाकी जो किशमिश या मैंने डेट्स वो सब लिया है वो उनको नहीं पसंद ब्रेकफास्ट में, बट जो मैंने सीड्स भिगो के रखे थे वो ज़रूर खाएंगे वो। हम गृहिणियों का ना तो कोई हॉलीडे है ना तो कोई वीकेंड है। देखिए, आज बस इतना है कि लंच नहीं बनाना है, बाकी उसके बदले में ढेर सारा काम करना है, छोटा मोटा सा काम। किसी को लगेगा कि ये तो कोई काम ही नहीं है, बट वो भी ना करो तो घर बिखरा हुआ और फैला हुआ रहता है। और अभी ब्रेकफास्ट तो हम लोगों ने कर लिया है, उसके बाद ढेर सारा बर्तन। खाना आप चाहे जितना भी कम खाओ या ज़्यादा खाओ, बर्तन तो ढेर सारा ही निकलना है। तो अभी ब्रेकफास्ट के बाद मैंने पीहू को और उसके पापा को थोड़ा सा मार्केट भेजा है और बोला है कि थोड़ा सा साइकिलिंग वगैरह करके आए, क्योंकि मुझे इतने में घर का थोड़ा काम भी करना है। और देखिए, देख के लग रहा है ना बाहर कितना अंधेरा है, बट अभी ये 9:30 का वक्त है या उससे भी थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया, बर्तन माँजना हो गया, फिर देखिए बाहर कितना अंधेरा अभी भी है। तो आज तो छोटा मोटा काम ये सब मैंने जमा के रखा था। कल ही मैं लाई थी ग्रोसरी, तो मैंने मुझे पता था कि आज कहीं जाना है, लंच नहीं बनाना है, तो मैंने रख दिया था आज दिन के टाइम ही ये सब करना है करके, तो वही काम कर रही हूँ। तो अभी मैं जिसमें चना रख रही हूँ ये एक पानी का बोतल है, ये इससे पानी लीक होता है इसके ढक्कन से। पीहू के पापा ने बोला था डिस्कर्ड करने के लिए, बट मैं इसको यूटिलाइज कर रही हूँ, और ये ट्रांसपेरेंट होने के वजह से दिखता भी है कि इसमें मैंने क्या रखा है।
और ये अभी जो बॉक्स है ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जार में जितनी भी सारे मैं चीज़ डालती हूँ उसके बाद जो एक्स्ट्रा बच जाता है वही मैं इसमें रखती हूँ। पहले क्या होता था, मैं रखती थी तो याद ही नहीं होता था कि कहाँ किसमें क्या रखी हूँ, तो अभी एक साथ रखती हूँ ना, तो जब भी ये बॉक्स खोलती हूँ तो मुझे सारा सामान मिल जाता है एक ही साथ में, तो आसान होता है मेरे लिए। तो अभी टाइम है नेल पॉलिश लगाने का, कभी कभी तो याद ही नहीं रहता कि लगाना भी है। तो पहले से ही मेरी उंगली में है नेल पॉलिश, बट रिमूवर नहीं मिल रहा था। कभी कभी पीहू शॉपकीपर खेलती है, मेरा रिमूवर उठा लेती है, नेल पॉलिश उठा लेती है, बट उसने पता नहीं कहाँ रखा है, वो अभी है नहीं मेरे सामने, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर ही लगाना है मुझे, क्योंकि पहले से ही जो कलर था और ये कलर सेम ही है, तो मैंने सोचा कि चलो उसको ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको लगा लेते हैं। देखिए कैसा लग रहा है, आप ही बताइए। तो आज है लॉन्ड्री का दिन, मुझे जहाँ जाना है लंच के लिए उससे पहले मुझे लॉन्ड्री भी करना है। तो इससे पहले भी मैंने एक दिन दिखाया था मैंने अपना लॉन्ड्री रूम, वो आपके रिक्वेस्ट पे ही दिखाया था, बट उस दिन डिटेल्स में कुछ बोल नहीं पाई, मैंने सोचा कि आज थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर टेम्परेचर है पानी गर्म करने का, तो मैं 40 डिग्री पे ही करती हूँ, और बाकी ये सब अलग अलग फंक्शन है अलग अलग कपड़ों के लिए, तो ये तो मैं ये 40 डिग्री पे मैं गर्म पानी यूज़ करूँगी, और बाकी यहाँ से ये स्टार्ट बटन मैं प्रेस कर दूँगी, क्योंकि मेरे सारे रफ़ यूज़ के कपड़े ही है, तो अलग अलग फंक्शन भी है अलग अलग कपड़ों के लिए। तो अभी मुझे डालना पड़ेगा इसके अंदर। तो मैंने 40 डिग्री पे प्रेस कर दिया है, और ये 32 मिनट्स दिखा रहा है, मतलब 32 मिनट्स ये मशीन चलेगा, और ये मैंने स्टार्ट भी कर दिया है, देखिए वो ब्लिंक हो रहा है। तो अभी और दो बार मुझे इसको प्रेस करना है, तभी इससे पानी निकलेगा, इससे नहीं ऊपर से पानी आएगा। तो मशीन के अंदर पानी जा रहा है, अभी बाकी प्रोसेस सेम ही है, उसके बाद मशीन से इसको ड्रायर में डालना पड़ेगा आधा घंटा बाद, जो कि मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी कर भी दिया है, क्योंकि हमें कहीं जाना है तो जल्दी जल्दी में आके मेरे हस्बैंड करके गए हैं, तो ये सूख भी गया है, तो मैं दिखाती हूँ ये कितने अच्छे से सूखा है। और हाँ, ड्रायर का प्रोसीजर भी सेम ही है, बस इसमें डाल के आप कितने मिनट के लिए सुखाना चाहते हैं वो सेट करना पड़ता है, और वो डिपेंड करता है कि कपड़ा कितना है, और वुलन है या कॉटन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और हाँ, ये और एक ड्रायर रूम है या हीटिंग रूम बोल सकते हैं, आप यहाँ पे भी आप अपने कपड़े को सुखा सकते हैं, और यहाँ पे हम अपना आयरन करते हैं कपड़े की। और अभी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट, अभी मैं बुक करूँगी नेक्स्ट डे के लिए, तो यहाँ पे ऊपर का जो ये देखिए डेट लिखा है ऊपर, और ये KL टाइम लिखा है, मतलब ये टाइम है सुबह 7 से 12 बजे से तक, 12 से 5 बजे तक, 5 से 10 बजे तक का टाइम है, और ये एक साइड में ऊपर ये डेट है। तो अभी बस मुझे शाम के टाइम का चाहिए, तो मैं इसे शाम के टाइम पे 23 तारीख को मुझे शाम के टाइम पे 5 बजे, ये देखिए 5 बजे मैंने इसको बुक कर लिया है, तो ये 5 बजे और कोई नहीं धो सकता 23 तारीख को। और अभी मैं पहुंच गई जहां मुझे लंच के लिए जाना था, तो भैया भाभी ने बहुत सारा अरेंजमेंट किया था, सो थैंक यू भैया, थैंक यू भाभी, इतना सारा टेस्टी टेस्टी खाना हम लोगों को बना के खिलाने के लिए। तो
तो देखिए यहाँ पे ये फिश है, ये इसको हम बेगुनी बोलते हैं, बैगन का पकौड़ा बोल सकते हैं। ये लौकी और चिंगड़ी माछ मतलब प्रॉन है, लौकी और प्रॉन की सब्जी। और है यहाँ पे दाल, ये है चिकन, और एक साइड में सलाद भी रखा है। तो खाना बहुत टेस्टी था, बहुत मेहनत किया है भैया भाभी ने। तो अभी देखते ही देखते हो गया है शाम का टाइम। तो अभी चाय और स्नैक्स मतलब पकोड़ा, चाय पकोड़ा हम लोग खा रहे हैं। तो फिर से वही बोलूँगी कि अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक लाइक दे दीजिए। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, और अगर आपने कर लिया है सब्सक्राइब तो आपको मेरे और मेरे परिवार के तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे फिर किसी नए व्लॉग के साथ। आज के लिए बस टाटा बाय बाय।